नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और इस समय हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निवर्तमान महासचिव पंडित प्रभा शंकर मिश्रा जी, जो कि शहर दक्षिणी से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू सर। मेरे पास सवाल बहुत हैं और हर मुद्दे पे सवाल हैं, तो आप एक ही सवाल पे अपने सारे जवाब ना सिमटा दीजिएगा, ये आपसे एक गुजारिश है। जो आपके प्रश्न होंगे मैं उसका सच्चाई भरा उत्तर दूंगा। जी सर। और उत्तर देने के लिए मैं मशहूर। जी सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विधानसभा का आप चुनाव लड़ने का आपका मन कैसे हुआ, जबकि बार एसोसिएशन के चुनाव खत्म हो गए, आप अध्यक्ष पद के लिए भी अभी चुनाव लड़ सकते थे? नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में हम महासचिव पद पे हैं जी। और पद पे रहते हुए चुनाव कंटेस्ट करना उचित कदम नहीं होता है। अध्यक्ष हम कभी भी लड़ सकते हैं, क्योंकि साल भर का चुनाव होता है। वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा हुई, इसलिए मैं इधर के चुनाव से अपने आप को वंचित करने का प्रयास किया। COVID-19 में मैं महासचिव बना था, तो लगभग 2 साल मैं सचिव के पद पर रहा और 4 चीफ जस्टिसों से मुझे वार्ता और उनके साथ काम करने का अनुभव मिला। और इन 2 सालों में मैंने अधिवक्ताओं के लिए बहुत कार्य किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मृतक अधिवक्ता को 5 लाख रुपए शायद पूरे वर्ल्ड की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बार ने देने का प्रयास नहीं किया, मैंने दिया। और बिना किसी बजट के 100 रुपए का अधिवक्ता कूपन इशू किया, उससे आय की और उसके द्वारा वकीलों जिस भी अधिवक्ता को या जो भी अधिवक्ता COVID-19 का शिकार हुआ जी, एडमिट हुआ जी, उसको मैंने 10,000 रुपए उसके घर भिजवाया। लगभग 4200 अधिवक्ताओं को मैंने जो मिडिल इनकम ग्रुप या जो EWS वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते थे जी, उनकी सहायता की, तो हमने इकोनॉमिकली भरपूर सहायता की। और 2596 नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, 2596 अधिवक्ता चैम्बर शायद वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग बन रही है और 2 साल 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई अधिवक्ता बिना चैम्बर के नहीं होगा। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सर, चुनाव आते ही BJP ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगती है, लुंगी जालीदार टोपी जैसे मुद्दे उठने लगते हैं, तो सर विधानसभा चुनाव में इस बारी अलग क्या देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में समयाधीन चीज़ें होती हैं जी। आपको देखना होगा कि ये नारा दे कौन रहा जी। ये नारा वो व्यक्ति दे रहा है जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। उनके बारे में जनता का क्या व्यू है कि आप किस धंधे में लिप्त थे, आप 5 साल पहले क्या थे, आज के समय में क्या हैं? अगर आपका डेटा निकाला जाए तो शायद ED को भी शर्म आएगी। तो अब उनके पास चूंकि उन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं है, तो इसके अलावा कोई नारा है नहीं। हम लोगों से अगर सामना पड़ेगा तो शायद भाषा बंद हो जाएगी। मेरा खुला चैलेंज है कि आए हमसे वार्ता कर लें। खुली लुंगी, खुली टोपी, ये सब देखिए बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि BJP के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। तो मंदिर के बाद विधानसभा चुनाव में आप अलग क्या डाल सकते हैं, कुछ चेंज आपकी तरफ से? हमारी तरफ से चेंज है कि देखिए, विधानसभा का चुनाव जनता के लिए जी। आप इसको जातिगत, और जातिगत तो सारी पार्टियाँ जी, आप भी जातिगत राजनीति कर रहे हो। आप कहते हो कि हमने लोगों का मकान गिराया दबंगों का, तो दबंग में एक जाति नहीं आती है। आपने किसका मकान गिराया? धनंजय सिंह का क्यों नहीं गिराया? राजा भैया का क्यों नहीं गिराया? किसी एक जात विशेष का बता दें। सर, पूरे प्रदेश में भी आऊंगी। सर, मेरा अगला सवाल, क्योंकि विजय मिश्रा ब्राह्मण है जी, गिरना चाहिए। अतीक अहमद गद्दी है, गिरना चाहिए, वोट का सवाल है। तो चूंकि ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जी, जो सरकार बनाती है और बिगाड़ती है,
आज की राजनीति में बिना ब्राह्मण के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, ये मेरा खुला चैलेंज है। क्यों? क्योंकि वोकल कौम है, वो चौराहे से लेके गांव से लेके घर से लेके माहौल क्रिएट करती है और उससे कई अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ती है, तब जाके सरकार का निर्माण होता है। ब्राह्मण की दुर्गति आपने 5 साल की, चाहे वो बिकरू कांड रहा हो, मैंने पहली आवाज़ उठाई, तब सुप्रीम कोर्ट में PIL हुई, पहली PIL मेरी थी। मैंने बिकरू कांड के हर आदमी की मदद बिना पैसे के वकालत की है, वो चाहे इसका हो ऋचा दुबे का हो जी। चाहे खुशी दुबे का हो, चाहे वाजपेयी का हो, सब की वकालत मैंने फ्री में की है, खुली आवाज़ उठाई पूरे प्रदेश में। किसी भी ब्राह्मण के ऊपर या किसी भी जाति विशेष के ऊपर अगर गलत कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए कार्रवाई हुई है तो मैंने इस न्यायालय परिसर में खुली आवाज़ उठाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सर, आप एक अधिवक्ता हैं और ऐसे तमाम अधिवक्ता हैं जो कि अधिवक्ता होने के बावजूद उसके अलावा और कई काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये कितना सही गलत है? सर, गलत है, मैं उसके साथ नहीं जी। हम शुरू से मेरा नेचर रहा है अधिवक्ता है तो अधिवक्ता का कार्य करे। मैं महासचिव था, किसी पार्टी का बैनर पोस्टर नहीं, लेकिन चूंकि मैं अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैंने अपने जीवन में पहली बार समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया है, उनका झंडा लगाऊंगा, उनकी पार्टी का प्रचार करूंगा और टिकट देंगे तो चुनाव भी लड़ूंगा। सर, चुनावी मुद्दा ही है कि किसान बिल अभी हाल ही में वापस लिया गया है, तो सर BJP कहती है कि उन्होंने किसानों की खुशी के लिए ये बिल वापस लिया है, सर आपको नहीं लगता कि ये एक चुनावी मुद्दा है और इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? भाई, आपकी यार हार वहीं हो गई जब आपने वापस ले लिया। जी सर, आपका कहना था कि मोदी आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे लौटते नहीं, शायद पहली बार वो पीछे लौटे तो आपकी हार तो सुनिश्चित हो गई। आपके पास बचा क्या? एक्सक्यूज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है आपका नारा है, तो आप पीछे क्यों हुए? सर, उन्होंने बोला कि हमने किसानों की खुशी के लिए ये मुद्दा वापस भाई लिया। अगर आपको किसानों की खुशी इतना अच्छी लगती थी तो आपने बिल लाया क्यों? और 1.5 साल आप वो किसानों के हित में था तो 1.5 साल, अच्छा वो हित में था, अब वही आप वापस ले रहे हैं? आपने दूसरा थोड़ी वापस लिया है, वापस तो उसी को लिया जिसको आप कह रहे हैं कि उनके हित में था, तो आपने वापस क्यों लिया हितकारी चीज को? क्योंकि उन्होंने बोला ना सर कि हम किसानों को मना नहीं पाए। आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में ये फैक्ट था कि वो मना नहीं पाए या किसानों की ही बात सही थी कि उनको बिल मानना ही नहीं था? भाई, बहुत सीधा सा जवाब है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए और आप दे रहे हैं तो मैं मानूंगा क्यों नहीं? इसका मतलब कि आप वो चीज मुझे नहीं दे रहे हैं जो मुझे चाहिए था, तो आप गलत लाए, गलत का आपने प्रायश्चित किया है, तो प्रायश्चित करने वाले को लाभ नहीं मिलता, लाभ दूसरे को मिलता। सर, BJP ये भी कहती है कि उन्होंने प्रयागराज में बहुत काम किया है, जैसे सड़कों का चौड़ीकरण, स्मार्ट सिटी बनाना और भी फ्लाईओवर्स बनाना, तो सर ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा क्या रह गया? नहीं, BJP ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारा PHQ चला गया, इलाहाबाद की सारी धरोहरें लखनऊ चली गई, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इलाहाबाद की धरती से मुझे बड़ा प्यार है, उन्हीं का घर बचा है, लगभग सारी चीज़ें चली गई। अभी शिक्षा अधिकरण का आंदोलन हमने किया 25 दिन, पूरा शहर बंद कराया, मैंने मीन्स कि मेरे अधिवक्ता भाइयों ने लीड मैंने किया, नहीं तो वो भी चला जाता, माननीय ने उच्च न्यायालय ने स्टे किया, जस्टिस माथुर जी ने, नहीं तो वो भी जा चुका होता। तो सारी चीज़ें आप इलाहाबाद की लखनऊ में ले जाके तीन कैबिनेट मिनिस्टर, तीनों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपने आवाज़ तक नहीं उठाई। लेकिन सर, क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ BJP ने सड़कों का चौड़ीकरण करवाया? सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण करना ये सरकार का कार्य है, BJP का नहीं है, ये तो कोई भी गवर्नमेंट कराएगी। सरकार तो BJP की है। ठीक है, इसके पहले क्या सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है? केवल BJP ने ही कराया जी। आज तक जितनी भी सड़क बनी है BJP बनाई, कांग्रेस नहीं बनाई है। अरे भाई, कोई भी मकान, हमारे बाप दादा ने मकान बनवाया तो हमने उसमें चूना लगवा दिया तो हम निर्माणकर्ता हो गए, जो भी आएगा उसकी देखभाल करेगा, कल मेरा पुत्र करेगा फिर उसका, तो ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन जो मेरी धरोहर है, जब प्रयागराज ही नहीं बचेगा तो सड़क लेके हम क्या करेंगे?
केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी से आके इलाहाबाद में क्यों कब्जा अभियान चलाए पड़े हैं? आप रहिए कौशाम्बी में, इसका मतलब विकास आपका हो रहा है ना। जो नंदी, चुनाव के पहले हम लोग शहर के हैं, जो कि यह सुनने में आता था कि नैनी ब्रिज से आत्महत्या कर लेंगे अगर चुनाव नहीं जीतेंगे, कितने करोड़ के डिफाल्टर, वो डेटा हम देंगे आपको। आज वो आदमी शायद प्रदेश का प्रदेश के मंत्रियों में तीसरे सबसे नंबर अमीर आदमी व्यक्ति है। किस कमाई से कौन सा ऐसा बिजनेस है? वो बिजनेस मोदी सबको दे दे, गरीबी दूर हो जाए हिंदुस्तान की। योगी को देना चाहिए कि अगर उनका एक मंत्री 10 साल में इतनी ऊंचाइयों पर जा सकता है तो वाई नॉट आकांक्षा पांडे, वाई नॉट प्रभा शंकर मिश्रा। तो देखिए, बेईमानी झलकती है आपके चुटकुलों से, आपके नारों से कोई बहकने वाला नहीं है। सरकार जा रही है, ये कहीं सरकार को बचा नहीं सकते, ना इनके पास कोई मुद्दा है। सिद्धार्थनाथ ईमानदार थे, स्वास्थ्य मंत्री पद से क्यों हटाया गया है कोई जवाब? उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आज तक कभी एक मंच पे दिखे? कभी नहीं दिखे। जनता जानती है, जनता बेवकूफ नहीं। मोदी सरकार नहीं बनवाएंगे, योगी को यहाँ जूझना पड़ेगा। 5 साल का विश्लेषण होगा, तब जाके आगे की राजनीति। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मनोज तिवारी टॉक शो में, और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ने सपा से इस आधार पे सत्ता छीनी थी कि उस समय अपराधियों का बोलबाला करके उसने सत्ता छीन ली थी, तो सर क्या 2022 में ये इस बात का डर बना रहेगा? नहीं, देखिए दो चीजें जी। आपने अपने अपराधियों को बचाया, किसी जात विशेष के अपराधी को अगर अपराधी नहीं भी था तो उसको अपराधी बता के और उसका काम लगाया। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता हो कि हम ठोंकने पर विश्वास करते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों के अपने अपने वर्ग। अगर न्यायपालिका का कार्य विधायिका देखने लगेगी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। हम कौन कहने वाले होते हैं कि आकांक्षा जी या मनोज तिवारी अपराधी? यह न्यायालय सिद्ध करेगा। इस कार्य को अगर मैं बताने लगूंगा जी, तो जुडिशरी की हत्या हो जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि हमारी न्यायपालिका बहुत धीमी काम करती है? ना, न्यायपालिका कार्य नहीं करती है, न्यायपालिका न्याय देती है। कार्य कार्यपालिका करती है, विधायिका नीति बनाती है। जब ये दोनों डिले करते हैं, इन दोनों के डिले को न्यायपालिका पे मढ़ा जाता है। जब जैसे मुकदमा कायम हुआ, दरोगा ने अगर 30 दिन में चार्जशीट लगा दिया तो न्यायपालिका तुरंत संज्ञान लेगी। आप अपने अपराधी को बचाने के लिए उसकी चार्जशीट आप 2 साल बाद लगा रहे हो, और इसका दोषारोपण आप न्यायपालिका को देते हैं। चूँकि जनता जानती नहीं, वो केवल एक कह देती है कि न्यायपालिका में देरी बहुत होती है। जब तक चार्जशीट नहीं लगेगी जज संज्ञान कैसे लेगा कांता जी? जी सर। तो चूंकि अपने को बचाने के लिए 2 साल में चार्जशीट लगेगी और दूसरे को ठेलने के लिए 5 दिन में, अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गई है। कौन अपराधी है जो अंदर नहीं है? अब तो सबके साथ हो, ये पूरे भारतवर्ष में यही व्यवस्था चल रही है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट का खुला आदेश है कि आप जितना हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करिए। तो करेगा कौन व्यवस्था? सरकार करेगी। जब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करोगे तो जुडिशरी जज दे देगी, जज भी आप ही एग्जाम कराएंगे, हम न्यायपालिका थोड़ी कराती है। तो ये सर, लेकिन न्याय मिलने में तो लोगों को देर होती है ना, इस बात पे आप विश्वास करते हैं? नहीं, इनकी वजह से। अच्छा, अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे इलाहाबाद जिला कचहरी में आप 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दें, 376 की अपराधियों की, MPMLA की, 6 महीने में मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके विधानसभा फाफा मऊ से है, लेकिन आप शहर दक्षिणी को आपने क्यों चुना?
मनोज पांडे जी इसका एक मतलब कि मनोज पांडे जी की वजह से या कोई और कारण है? नहीं नहीं, हमारी तो विधानसभा शहर पश्चिमी है जहाँ मैं रहता हूँ जी, रहने वाला फाफा मऊ का और महासचिव हूँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, तो हम तो पूरे प्रदेश स्तर पे हैं। इलाहाबाद की 12 सीटों के पे है, क्योंकि हमारा अधिवक्ता हर विधानसभा में, तो हमारा परिवार अधिवक्ता जी सर, हमारा परिवार जहाँ मैंने जन्म लिया या जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ नहीं। दूसरी बात, हम एक तरीके से ये मान लो कि वो उन नेताओं में नहीं हैं जो टिकट के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारी मंशा ये है कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूं जिसने सबसे ज़्यादा आर्थिक अपराध किया, और हमारी सोच में, हमारे दिमाग में नंदी गुप्ता सबसे ज़्यादा आर्थिक अपराधी इलाहाबाद का मेरी नज़र में। तो मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा अपराध करने वाला व्यक्ति हो जी, उसके भाई पूरे शहर दक्षिणी में जमीन कब्जा, जुआ खेलवाना, तो जितने अनर्गल व्यापार हैं जिनसे जनता त्रस्त है, तो मेरी सोच थी कि मैं इसके खिलाफ चुनाव लड़ूं। तो मेरा चूंकि परिवार पूरे इलाहाबाद में है जी, 25,000 अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर है, तो हमारा 5,000-7,000 परिवार वहाँ पे है, तो इसलिए मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता कि मैं फाफा मऊ या शहर पश्चिमी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहर दक्षिणी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो सर क्या समीकरण रहा है आपका? चुनाव देखिए जनता जिताती हराती है, समीकरण से कोई चुनाव जीतता हारता नहीं, क्योंकि इन 2 सालों में प्रदेश सरकार द्वारा जितने रूप से अन्यायपूर्ण कार्य किए गए जी सर, हमने सभी लोगों की सेवा किया है, न्यायालय से लेकर अब प्रशासन तक। हमें लगता है कि उसमें शहर दक्षिणी सबसे ज़्यादा रहा है, और हमको अपनी सेवा और कार्यों पर भरोसा रहता है। मेरे साथ हर जाति का आदमी रहता है जी सर, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर आप शहर दक्षिणी में जाएंगी जी, तो शायद वहाँ का माइनॉरिटी मेरा सबसे ज़्यादा चहेता मिलेगा मेरी न मौजूदगी में। बनिया समुदाय हमें सबसे ज़्यादा लाइक करता मिलेगा, शायद नंदी भी उनके सामने नहीं टिकेंगे। तो ये मेरी अपनी चाहत है, मेरा कार्य करने का तरीका है, मैं अन्याय बर्दाश्त कर हमेशा न्याय का साथ देता। सर, टिकट एक किसी को मिलनी है, दावेदार 2 दर्जन है, तो सर गुटबाजी की क्या उम्मीदें हैं? हमको इस पे विश्वास नहीं, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है जी, तो मैं नंदी को चुनाव हराऊंगा जी, अगर नहीं देती तो पार्टी की सेवा करूंगा, इस पे मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि मेरा मन बना है कि अब सड़क पे मुझे कार्य करना चाहिए, इस निमित्त मैं आया हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में कितनी दावेदारी हो रही है? हमारी सीट पे जहाँ तक हमको मालूम है 3 आवेदन थे जी, अभी तक एक सुनने में आया है कि 4 हो गए हैं, परवेज टंकी जी का और रईस शुक्ला जी का, शायद अभी लेटेस्ट शशांक त्रिपाठी का हुआ, एक मेरा। मांगने वाले 10-12 दावेदार हैं। हम जहाँ तक हमारा मानना है कि पार्टी का शायद नीतिगत फैसला है कि वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाया जाएगा जी, तो हम हैं ब्राह्मण, अगर मुझसे उपयुक्त कैंडिडेट हो तो उसे टिकट दे दिया जाए, अगर मैं सबसे सशक्त मजबूत हूँ तो मुझे दे दिया जाए, इसी डिमांड पर मैंने आवेदन किया है, अभी पार्टी समझे। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, तब तक आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से हमारे टॉक शो में स्वागत है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप शहर दक्षिणी से दावेदारी किए हैं, तो सर आपके हिसाब से कैबिनेट मंत्री नंदी जी का कितना फैक्टर रहेगा? तो चूंकि वो आर्थिक अपराधी हैं, इनका पूरा काकस बन चुका है, और काकस बनने वाले व्यक्ति को बिगाड़ना मेरा नैतिक कर्तव्य रहता है, पूरा शहर जानता है। मैंने, मेरा ये चिंतन रहा कि वहाँ परवेज टंकी लड़ते हैं तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम करते हैं,
जब हिंदू वर्सेज हिंदू का चुनाव होगा तो नंदी को अपनी अवकाश समझ में आ जाएगी। जो आदमी बेईमान होता है वो कभी ईमानदार का सामना नहीं कर पाता है। पैसे से राजनीति नहीं होती। अगर पैसे से राजनीति होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते, अनिल अंबानी होते। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। जिस दिन पूरे शहर का अधिवक्ता शहर दक्षिण में जाएगा उस दिन नंदी को भागने के सिवा कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो मेरा चयन जो है वो अधिवक्ताओं के लिए है, प्रभा शंकर मिश्रा के लिए नहीं है। वहाँ 35,000 अधिवक्ता चुनाव लड़ेगा और वो चुनाव चुनाव नहीं, पूरे प्रदेश का एक तरफा चुनाव दिखेगा आपको। सर, नंदी बोलते हैं कि पिछली बार जैसे कि वो 28,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे, तो उनका मानना है कि प्रयागराज में हर दूसरे घर में उनके समर्थक हैं। ऐसे में आप यानी प्रभा शंकर मिश्रा जी अपना नेटवर्क कैसे मजबूत करेंगे? दलाल का कोई समर्थक नहीं होता। जी सर, मेरा चैलेंज है कि इलाहाबाद की धरती पे अपने समर्थक लेके आ जाएं और मुझे एक घंटा पहले बताएं। मेरे समर्थक से ज़्यादा समर्थक निकल जाएंगे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मेरा खुला चैलेंज है, खरीद के भी। जी सर, शहर दक्षिणी से आदमी खरीद लें और मुझे एक घंटा पहले बता दे कि आपको आना है। अगर मुझसे ज़्यादा निकल जाएंगे मैं आवेदन वापस ले लूँगा। खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज है। जी सर, और मैं उनके मकान पे आके जितने आदमी कह दें मैं आके खड़ा मिलूंगा। अब मैं कह दूं वो नहीं आ सकते। बेईमान कभी भी ईमानदार का सामना नहीं कर सकता, मैं आपको खुले रूप से बता रहा हूँ। सर, दक्षिणी विधानसभा में आज आप क्या समस्याएं देखते हैं? बहुत समस्याएं हैं दक्षिण में, टोटल समस्याएं हैं। इन्होंने पूरा व्यापार एकीकरण कर लिया है, सारे व्यापारी इनसे त्रस्त हैं। इनके व्यापार को कोई घाटा नहीं है, नंदी आटा एकदम सक्सेस है। जी सर, लेकिन दूसरे का आटा बेचारे का घाटे में चल रहा है। जी, मैं आपको एक जनरल चीज़, मैं व्यापारी नहीं हूँ लेकिन लोगों का दर्द बता रहा हूँ। इनके भाई ब्याजू पैसे चला रहे हैं, कितने व्यापारी कर्जदार हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। ये तो जिस दिन मैं सड़क पर उतरूँगा आपको दिखाऊँगा। व्यापारियों का इन्होंने टोटल शोषण किया है। लगभग आज की डेट में 500 मकानों पर कब्जा नंदी जी का है इनके भाइयों के द्वारा। सर, फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप वर्तमान विधायक नंदी के कार्य से कितना संतुष्ट हैं, तो उस लहजे तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताया तो कि उनके कार्य हैं कि अर्श से फर्श पे। जी, जो मुख्यमंत्री कहता हो कि आर्थिक अपराधी मैं नहीं बख्शूंगा और उनकी गाड़ी से एयरपोर्ट से उनकी बिटिया ड्राइव कर रही और आ रहा हो, उसको अधिवक्ताओं ने जब इनको बुलाया था उसमें मैं भी बुलाने वालों में था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने मंच से कहा जी कि बहुत बड़े व्यापारी नंदी जी के लिए जी, जी। इनको शर्म नहीं आई? कौन सा ऐसा व्यापार है जो दिन रात दूना हो जाता है? मुख्यमंत्री जान रहा है कि आर्थिक अपराधी हैं, तो बेईमानी बहुत दिन तक नहीं चलती है, समयावधि। सर, सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त कर दी है, आपको क्या लगता है? कौन सा कानून व्यवस्था, कौन सी कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिए हैं? या कानून व्यवस्था, अभी मैं कानून की ही तो बात कर रहा था। मकान कभी आपने गिरना सुना था इस गवर्नमेंट के पहले? भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में कभी आपने सुना था? आप लोग चैनल चलाते हैं, एक प्रदेश बता दीजिए जहाँ मकान गिरने की प्रक्रिया चली हो। कोई भी संपत्ति वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो। मेरा भी मकान गवर्नमेंट का है, मैं आज एक किराएदार रहता हूँ। चूँकि लॉ है कि जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ेगी वो मकान मेरा ले सकती है। तो आप सरकारी संपत्ति को गिरा रहे हो, सरकारी संपत्ति की हानि कर रहे हो। एक ईंट यह सरकारी संपत्ति है, इसको आप कानून की भाषा बता रहे हैं। मैं तो चीफ जस्टिस से कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। मकान किसी का भी नहीं, मकान अटैच कर लो, उसको सरकार से की संपत्ति घोषित कर दो, गिराना कौन सा न्याय है? मैं इसका विरोधी हूँ और इस पर PIL भी करूँगा विधानसभा चुनाव बाद, और योगी को पार्टी बनाऊँगा। जितने मकान गिरे हैं इसके इनसे वापसी होनी चाहिए। सर, आपके हिसाब से राजनीति में इस समय क्या बदलाव आया है? क्या पैसे के बूते राजनीति जीती जा सकती है? अब संभव नहीं, संभव नहीं।
ये 10 साल पहले था। अच्छा सर, तो अभी का क्या है? अब आपकी पूरा समझ लीजिए पोस्टमार्टम होगा सरकार का। जनता 5 साल का पूरा आपका पोस्टमार्टम करेगी जी। एक एक व्यू पे करेगी जी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको, इन्होंने एक प्रक्रिया चलाई है सरकारी खजाना भरना, कोई ऐसा दो पहिया वाला व्यक्ति नहीं होगा जिसका 10,000 रुपये का चालान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा। यह क्या है, कमाई का धंधा है, आदमी जान नहीं रहा तो वही चुनाव के समय सब वारा नहरा होगा। सर, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं लेकर आएंगे, विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे तो? केवल आप आर्थिक अपराधी का विनाश कर दीजिए जी, उससे बहुत विकास हो जाएगा। क्योंकि नगर निगम लूटा जा रहा है, प्रदेश लूटा जा रहा है, तो जब दोनों व्यक्ति मिलकर प्रदेश और शहर दोनों लूट रहे हैं, लूट बंद कर दीजिए, शहर का विकास हो जाएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का टॉक शो में हमारे फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप विधानसभा क्षेत्र में, आपके दक्षिणी शहर में लोगों की मुख्य ज़रूरतें क्या हैं आपके हिसाब से? दक्षिणी बहुत धनाढ्य एरिया है, व्यापारियों का शहर है जी। सर, वहाँ के ही व्यापारियों से पूरे ज़िले का कार्यक्रम, छोटे मोटे व्यापारी, क्योंकि थोक विक्रेता शहर दक्षिणी में ही जाता था। नंदी वहाँ का एक सामान्य नागरिक हुआ करता था, आज कैबिनेट मिनिस्टर है। सामान्य नागरिक इन 10 सालों में पूरे व्यापार पे कब्जा जमाया जी। सर, क्या योगी आदित्यनाथ को ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही? जब आप किसी चीज़ पे कब्जा करते हैं तो उसकी पिक्चर अलग होती है, और जब कब्जा किया जाता है तो उससे जो शोषित लोग होते हैं उनकी संख्या हजारों में होती है, जो आदमी को दिखाई नहीं पड़ती। चूंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर वो आवाज़ उठाएगा जी, तो प्रशासनिक मजबूती आप में है जी। लेकिन हम जैसे लोगों से जब सामना पड़ेगा तो प्रशासन पौना हो जाएगा, तब उसको कानून याद आएगा, तब वो जो भी कार्रवाई करेगा न्याय संगत करेगा, चाहे वो DM हो, चाहे कप्तान हो, चाहे SP हो। जब ऐसे व्यक्ति आएंगे तब इनको अपराध की श्रेणियां नजर आएंगी आकाक्षा जी, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैबिनेट मिनिस्टर कितना बड़ा अपराधी है, जो अभी तक न जनता की नज़र में दिख रहा था न प्रशासन की नज़र में। सर, अगर आप विधायक होते हैं दक्षिणी से तो आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम केवल इनका पूरा वारा नहरा करना जी। कि आप जहां से चले थे, सरकार ने आप पे क्यों ध्यान नहीं दिया, आपको क्यों पुरस्कृत नहीं किया? जो आदमी का कोई पद पार्टी न रही हो, बसपा, कांग्रेस, फिर BJP, क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है, जनता की सेवा नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन आप पद पे नहीं रहेंगे, आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं घोषित होगा। तो ऐसे व्यक्ति को उजाड़ने के लिए मेरी सोच बनी, इसलिए मैं वहाँ का टिकट का दावेदार हूँ। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ूंगा। सर, लोकसभा चुनाव के गठबंधन में बसपा फेल रही, तो सर इस बार आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन कैसा करेगी? देखिए, हर चुनाव का अपना एक आकांक्षा जी समीकरण होता है। उसी के पहले उपचुनाव हुआ था, योगी जी अपनी सीट हार गए थे, केशव जी अपनी सीट हार गए थे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, सारी सीटें BJP को चली गई। हर सीट का एक विधानसभा चुनाव का एक अलग समीकरण होता है, तो हर चुनाव अलग तरीके से देखा जाता है। अब ये जो चुनाव होगा वो योगी का विकास, योगी का फेंकना, योगी के कितने चुटकुले, उप मुख्यमंत्री के कारनामे, नंदी का धन का आगमन, इन सब चीज़ों पे चुनाव होगा। क्षेत्रीय संतुलन, प्रदेश स्तर, सारी चीज़ें देखी जाती है, तब उस पर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाता है, कोई तालमेल ही नहीं होता।
सर, आप यानी प्रभा शंकर जी को 2022 के चुनाव में क्या बदलाव दिख रहे हैं? बदलाव दिख रहा है, बीजेपी हार रही। अच्छा, 100% सर, सबसे बड़ा बदलाव आपको ये 100% हार रहे जी। मेरा खुला चैलेंज है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किसी सीट से चुनाव नहीं जीते और अभी तक सीट का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े नेता होकर। सर, आपको क्या लगता है, राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही yes. है, समाज सेवा की जगह लोग व्यवसाय कर रहे हैं? लाइक अगर नेता बनते हैं तो पहले तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उसके बाद वो फिर से आ जाते हैं। उप मुख्यमंत्री जी को आज नोटिस इशू हुई है माननीय उच्च न्यायालय से जी, शायद आपको नहीं मालूम होगा, चला दीजिए वर्तमान उप मुख्यमंत्री को, चूंकि अब कोर्ट भी संज्ञान लेने का प्रयास करने लगी है जी। सत्ता के अगेंस्ट पहली नोटिस इशू हुई। तो सर, क्या आप यानी प्रभा जी नंदी के पैसे के आगे अपनी बात पहुंचा पाएंगे, उस समय जिस समय राजनीति एक व्यवसाय बनी हुई है? देखिए, मैंने बताया नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। पैसे से आप सामान खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आदमी नहीं खरीद पाएंगे, जनता का वोट नहीं खरीद सकते हैं। बहुत पैसे वाले जमानत जब्त हुई है इसी प्रदेश में, और शायद राजनीति से संन्यास भी ले लिया। शहर दक्षिणी भिखारियों का शहर नहीं जी जी, शहर दक्षिणी जिनका इन्होंने शोषण किया है जी, वो इनको खरीद सकता है, क्योंकि इनके कारनामों को उजागर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। मैं मिला हूँ, क्योंकि जनता जानती है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो इनको उजागर करके और सड़क पर ला सकता है, इसलिए जनता मेरा साथ देगी और 100% चुनाव जिताएगी। सर, आज शहर में अपराधियों का ध्वस्तीकरण, आपको नहीं लगता ये एक अच्छी बात है? किस अपराधी का ध्वस्तीकरण हुआ है? सिंह अपराधी नहीं है? उनके भतीजों को बीजेपी क्यों टिकट दी है जी? वो अपराधी नहीं है सर? आप वाला अपराधी नहीं है, दूसरे वाला अपराधी है, ये तेरा मेरा नहीं होता। अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई पार्टी होती है। सर, अमूमन हर पार्टी में तो जो भी नेता है वो अपराधी बैकग्राउंड रखते हैं। केशव मौर्य के ऊपर मुकदमा नहीं है, नंदी पे मुकदमे नहीं है जी। आप कैसे अपराधी? अपराधी उसको बोला जाता है जिसको न्यायालय ने अपराधी घोषित किया। सर, न्यायालय ही अपराधी घोषित कर, कितने लोगों को? अदरवाइज तो लोग कितने लोगों को वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को, बताइए ना। सर, मेरा ये कहना है कि हर पार्टी जितने भी नेता हैं, अगर वो आज नामी गामी नेता हैं, तो उनका बैकग्राउंड अपराध से जुड़ा हुआ है, न्यायालय घोषित भी करती है सर, और उसके बाद क्या होता है कि उनका पैसा बल जो है उनका, वो उसे हाइड कर जाता है, छुपा जाता है, जिसकी वजह से आम जनता वैसे भी सिर्फ नेता जब चुनाव होता है वो नेता की बड़ी बड़ी बातों में आती है, वोट देती है, उसके बाद वो खुद ही भूल जाती है। तो अब तो वर्डिक्ट आ गया, जो सजा आता है उसको टिकट ही नहीं मिलेगा तो नेता कहाँ हुआ जी? जी, अब तो क्लियर कट हो गया ना, आप उसमें नया क्या बना? तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सरकार उसका पालन भी कर रही है, जो भी सजा है अब तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो अब तो क्लियर कट है। तो अपराधी कहाँ? अपराधी हुआ न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया, तो नेता हुआ कहाँ? ध्वस्तीकरण कौन सी कार्रवाई है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ध्वस्तीकरण करना है तो सबका करो। आप कहते हैं कि पीडीए का नक्शा नहीं पास जी, केशव मौर्य जी के मकान का नक्शा पास है, नंदी जी के घर का नक्शा पास है? नहीं पास है। खुला चैलेंज है, जाके देख लीजिए। देखिए, मैंने फिर कहा, कानून को कानून का काम करने देना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। आप उस प्रॉपर्टी को अटैच करिए, यह सरकार का कार्य है, चूँकि संपत्ति वो सरकार की है। ये मकान है मेरा, ये सरकारी संपत्ति हो गई, मैं इसमें रह रहा हूँ, सुख भोग रहा हूँ एज ए किराएदार। लेकिन सरकार को जब जरूरत, फर्स्ट सरकार होती है, अगर उसको ज़रूरत होगी वो ले लेगी, हमें कंपनसेशन दे देगी, अगर हम इलीगल होंगे तो नहीं देगी, ये प्रक्रिया। सर, अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला या किसी कारणवश ये रुक गया, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सरकार का साथ देना, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे, बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे जी। सर, आप अपने लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके लोग सुनने के लिए बेताब हैं। अब सर देखिए, ये सरकार केवल फेंकना है,
काम कुछ नहीं करना है, इनका कार्य है लड़ाओ, आपस में बांटो और किसी जाति विशेष के लिए वर्क करो। जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ जहाँ पे न्याय वहाँ पे जातिगत समीकरण, वर्तमान समय में महाधिवक्ता लखनऊ का जाति विशेष, एडिशनल सॉलिसिटर लखनऊ का जाति विशेष, तो जब ऐसी नगरी में जाति का समीकरण दिखा रहा हो जी, तो प्रदेश का क्या हश्र दुनिया देख ही रही। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे टॉक शो में अपना कीमती वक्त दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ताफी आ गई। तो जैसा कि अभी आपने पंडित प्रभा मिश्रा जी को सुना, जिन्होंने अपना एक क्लियर विजन दिया, जिन्होंने बताया कि अगर वो दक्षिणी से विधानसभा जीतते हैं तो वो अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, और आगे के उन्होंने अपने प्लान्स भी बताए। ऐसे ही हम आपको लोगों से मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। नमस्कार।